हेलो नमस्कार दोस्तों, छोटू मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे देसी खाना, जिसमें होगी बाजरे की रोटी, कचरी की चटनी और लस्सी। इसके लिए हमें चाहिए सूखी हुई कचरी। ये देखो भाई, हमने कचरी सुखा के इसका पाउडर बना के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आजकल इनमें है ना कीड़े लग जाते हैं। तो आप भी इनको पीस के फ्रिज में रख दिया करो तो कीड़े नहीं लगेंगे। और ये फ्रेश दही, खट्टा दही नहीं लेना बिल्कुल भी। और थोड़ा धनिया लेना है, 5-7 कलियाँ लहसुन की, 6 से 7 काली मिर्च, 3 हरी मिर्च लेनी है और नमक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। आज हम बनाएंगे देसी चटनी सिलपट्टे के ऊपर पीस कर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा सिलपट्टा, इसके ऊपर पीसते हैं आज हम। हमने पहले रख दिया हरी मिर्ची और लहसुन। अब इसमें डालते हैं हम स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से हम अब सिलपट्टे से पीसेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये काली मिर्च, इनको भी साथ में पीस लेंगे इसके, और ये साबुत धनिया। पीसने से ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। मिक्सी में तो इतनी अच्छी नहीं बनती, आप चाहो तो मिक्सी में भी बना सकते हो इसको, लेकिन सिलपट्टे पे बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। और एक देसी कुंडी आती है, कुंडी छोटा बोलते हैं हम तो अपने हरियाणा में, उससे भी अच्छी बनती है ये वाली चटनी, लेकिन बारीक होनी चाहिए बिल्कुल, पीस पीस के इसको बारीक करना है। हरी मिर्ची और धनिया पाउडर ये पीस के तैयार हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये सूखी कचरी का पाउडर। तो बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल जितना बारीक पीसोगे ना उतना ही टेस्ट बढ़ेगा इसमें। है तो थोड़ी मेहनत भाई, लेकिन स्वाद तो मेहनत से ही आते हैं ना। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके दही, 2 चम्मच डाल के फिर इसको हम पीसेंगे। दही आपने अपने हिसाब से डालनी है, चटनी को कितना पतला करना है या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से डाल लेना, लेकिन दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा होने से तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, कचरी भी तो खट्टी होती है। हमारा दही बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ। दही को बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, अलग से बिल्कुल दिखाई नहीं देने चाहिए भाई ये चटनी में दही डाला है या नहीं। अभी तो ये दिखाई दे रही है, टाइम लगेगा।
हमारी राजस्थानी स्टाइल की चटनी है, बन के बहुत ही स्वादिष्ट और प्यार होती है। आप इसको चाहे तो ऐसे कच्चा भी खा सकते हो, और आप इसको चाहे तो तड़का लगा के पका कर भी खा सकते हो। चटनी हम बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं खाने के लिए। आप भी अपने घर में एक बार इसको जरूर बनाना, कचरी की चटनी और बाजरे की रोटी और साथ में दही हो, लस्सी हो, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में हो इसके मक्खन। लो भाई, हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने घर में इसको एक बार बनाना और अपने बच्चों को खिलाना। अब हम बनाएंगे बाजरे की बहुत ही स्वादिष्ट रोटी। इसके लिए हमने ले लिया आटा और एक स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। बाजरे की रोटी का आटा साथ साथ में लगता है, पहले लगा के हम नहीं छोड़ सकते। और अब हमने कर लिया अपना गैस ऑन, ये रख दिया तवा, ये रख दिया घी। मैं हाथों पर घी लगा के फिर रोटी बनाती हूँ तो रोटी टूटेगी नहीं। अब लगा रही हूँ मैं आटा। साथ साथ में आटा लगाना है अपने, ऐसे नहीं कि भाई पहले बना के आटा रख दिया तभी बनावांगे, बिल्कुल साथ साथ में। और एक साथ पानी भी नहीं डालना इसमें, हल्का हल्का पानी डाल के ऐसे इसको अच्छे से मथना है। जितना आटा अच्छे से लगेगा ना, उतनी रोटी आपकी अच्छी बन के तैयार होगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये 5-7 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखो हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी बनाती हूँ रोटी। आपने ऐसे कर लेना इसको, और अब अपने हाथ को थोड़ा साफ कर लो और अपने हाथ के घी लगा लेना ताकि अपना हाथ चिकना हो जाए। ये ऐसे, तो इससे हमारी रोटी है ना टूटेगी नहीं, बिल्कुल सुंदर बनके तैयार होगी। ये देखो ऐसे हल्के हल्के हाथ से आपने ऐसे करना है इसको, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे हाथों से, तो बहुत ही प्यारी सी रोटी बनके तैयार होगी हमारी। ये देखो भाई, ये रोटी हमारी बनके तैयार है। अब इसको मैं हटा देती हूँ और ये लगा दिया। गैस को थोड़ा मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, इतना रखना। देखो तो ये धीरे धीरे बनके तैयार होगी। अब मैं अपनी दूसरी रोटी का आटा लगाती हूँ साथ साथ में, तब तक ये पक जाएगी। आटा अच्छे से लगना चाहिए बस, बाजरे की रोटी में मेन बात यही है। अगर आपका आटा अच्छा नहीं लग गया तो रोटी नहीं बनेगी, टूट जाएगी, और आटा लग गया तो रोटी फर्स्ट क्लास बनेगी। रोटी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मीडियम आंच पर सेकते हैं ना, ज़्यादा तेज आंच पर तो ये फिर कच्ची होगी, जल जाएगी, तो अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए मीडियम आँच पर ही सेकना है। ये देखो एक तरफ से हमारी रोटी सीख गई है, ऊपर से सूखी सूखी होगी ना, तो अब इसको आप चिमटे की मदद से ऐसे करके पलटी कर।
मैं अपनी दूसरी रोटी भी ऐसे ही बनाती हूँ, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से, तब तक वो सीख जाएगी। ये देखो कितनी जल्दी बनके तैयार होगी। अब इसको उतार लेते हैं, हम जला लेते हैं, और इसको अब ऐसे सेकनी है हमने गैस के ऊपर। अल्टी पल्टी करके ऐसे सेक लेनी है। ये देखो हमारी रोटी कितनी अच्छी बनके तैयार होगी है। ये बन गई भाई हमारी एक रोटी तो तैयार होगी। अब इसको भी देखो मैं पलटी करती हूँ, इतनी देर में ये सीख गई एक साइड से। हमारे बाजरे की रोटी बनके तैयार होगी भाई। अब इसके ऊपर रखते हैं हम बटर, शहर में तो बटर ही होगा, देसी घी वो अलूनी घी तो कहाँ से मिलेगा। और इसके ऊपर कचरी की चटनी और ये गिलास लस्सी का। अब हमारी प्लेट बनके थाली तैयार होगी। अब हम देते हैं अपने साहब जी को खाने के लिए। ये बैठते हैं हमारे साहब जी, लो जी आज का देसी खाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना के खिलाना। बनाएंगे आज लस्सी, तो ये दही हम इसमें डालेंगे आधा दर्जन। ये डाल दी आधी, डाल दी आधा दर्जन डाल दी हम लोग। उसके बाद हम दही में डालेंगे अभी मसाले, ये है पुदीना हमारा, एक कड़छी पुदीना डाल दो इसमें। फिर डालो जीरा भुंधा हुआ, ये जीरा भुंधा हुआ, एक कड़छी ये डाल दिया हमने स्वाद के अनुसार। ये डालेंगे हम नमक, ये थोड़ा सा काला नमक भी डालते हैं, इसे थोड़ा टेस्ट और बन जाता लस्सी का, जोधपुरी लस्सी जैसा बन जाता है। तो ये बनेगी हमारी लस्सी। अब हम इसको फेट करेंगे। फेट करने के लिए पहले डालो इसमें थोड़ा पानी, हम इसे ग्राइंड करेंगे, मिक्स करेंगे लस्सी को। तो ये देखो से ये हो गई हमारी लस्सी तैयार। ये देखो मस्त वाली बन गई है, बिल्कुल जोधपुरी लस्सी, मक्खन भी आ गया ऊपर। ये देखो साथियों लस्सी तैयार हो गई है, फर्स्ट क्लास जाग आ गए मक्खन हा। और ये अभी डालेंगे हम गिलास में, ये देखो कितना अच्छा जीरेदार लस्सी, धनिया और पुदीना और जीरा, एकदम मस्त लस्सी है देखो, ठीक है। ये जोधपुरी लस्सी बोलते हैं, हम जोधपुर गए थे वहाँ पी के आए, बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये जोधपुरी लस्सी है, पी के देखो एक नंबर की है भाई। ओके बाय दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।